नमस्कार दोस्तों, निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह आज आपको एक बहुत ही सुंदर विंडो सनसेट का डिजाइन दिखाना चाहता हूँ, जिसे हम लोग आम भाषा में खिड़की का छज्जा भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हर एक वीडियो की तरह बिना देर किए हुए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस खिड़की का साइड वाला लुक है जहाँ पे स्लोप डिजाइन बनाया गया है। मैं इस पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं वीडियो क्लास में आपका इसका फुल लुक भी दिखाऊंगा और हर चीज के बारे में बताऊंगा कि इसे किस तरीका से बनाया गया है। अगर आप चाहें तो ये वाला पार्ट पे जो आप देख रहे हैं वहाँ पे छप्पर का यूज भी कर सकते हैं। ये बात आपको वीडियो का लास्ट तक समझ में आएगी। अब आते हैं उसके नीचे, तो देखेंगे कि यहाँ पे आपको 4 इंच के पाइप के माध्यम से एक गोलाकार कॉलम बनाया गया है। इस कॉलम की संख्या 2 है, एक इस साइड से और एक कॉलम है वो उस साइड से है। मैं जब आपको डिफरेंट एंगल से दिखाऊंगा तो आपको सारी बात समझ में आएगी। और बात किया जाए निचला हिस्सा के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप डिजाइन देखने को मिल रहा है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ ताकि अगर आप इसे बनाना चाहें तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ये देखिए दोस्तों, इस तरफ से यहाँ पे 3 स्टेप डिजाइन लगाया गया है और लगभग लगभग 3 इंच का यहाँ पे इसका साइज रखा गया है। मैं इस पोर्शन का बात कर रहा हूँ। स्टेप से 3 लगाया गया, ये देखिए पहला, दूसरा और ऊपर वाला एक तीसरा। तो इस टाइप से दोस्तों इसे बनाया गया है। और उसी तरीके से बात किया जाए दूसरा एंगल से देखने का, तो ये देखिए सबसे ऊपर वाला उल्टा अपोजिट भी के आकार का बनाया गया है। उसके नीचे देखेंगे तो आपको एक आर्क डिजाइन देखने को मिलता है और फिर उसके नीचे देखेंगे तो आपको यही गोल वाला जो कॉलम रहता है उसके शेप का आपको पाइप के द्वारा बनाया हुआ है। ये देखिए, ये आपको फ्रंट लुक ऐसा मिलने वाला है। अब इसका काम चल रहा है दोस्तों, लेकिन अगर प्लास्टर के बाद में आपको दिखाऊंगा तो आपको इसका सेंटरिंग करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको अच्छा से बात समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पहले ही दिखाऊं ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। और मैं ऊपर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप से इसका डिजाइन है। और इसका जो ग्रिल लगा हुआ है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, जो इसका ग्रिल लगा हुआ है उसको भी दोस्तों इसी का शेप में बनाया गया है ताकि आपको एक अच्छा फिनिशिंग दोस्तों देखने को मिले। तो अगर आप इसे बनवाना चाहते हैं तो जब ग्रिल बनवाएंगे तो उस समय इस बात का आप जरूर ख्याल रखेंगे। और अगर चाहें तो आप दूसरा डिजाइन का भी ग्रिल लगवा सकते हैं, लेकिन ये डिजाइन भी इस खिड़की के लिए काफी अच्छा दोस्तों सुटेबल लग रहा है। अब बात करते हैं इसका फिनिशिंग के बाद का कैसा लुक होगा। तो दोस्तों अगर ये फिनिशिंग हो जाता है, फिनिश होने के बाद जब इसका प्लास्टर हो जाएगा फिर अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ इसका कलर कर दिया जाता है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा विंडो सनसेट का डिजाइन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये डिजाइन पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद नहीं है और भी आप बहुत सारा डिजाइन देखना चाहते हैं तो मैं इस चैनल पर बहुत सारा विंडो सनसेट का डिजाइन एक अलग प्लेलिस्ट में डाला हूँ, जिस प्लेलिस्ट का नाम है विंडो सनसेट डिजाइन। तो वहां पर जाकर आप देखिए बहुत सारा विंडो सनसेट में से एक विंडो सनसेट अपने घर के लिए चुनिए और उसे अपने घर में दोस्तों आप आसानी के साथ लगवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।